नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गुजरात में सभी घरों में बनने वाली बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भिंडी की सब्जी बनाना सीखेंगे। ये सब्जी आप रोटी या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हो, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। रेसिपी की शुरुआत करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम अच्छी सी फ्रेश और ग्रीन हो वैसी भिंडी को गीले कपड़े से पोंछकर अच्छे से ड्राई कर लिया है। भिंडी ज़्यादा मोटी और बड़े बीज वाली हो वैसी ना ले, इस तरह की छोटी भिंडी की सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है। भिंडी को चाकू की मदद से दोनों साइड से थोड़ा काट कर उसके इस तरह के मीडियम साइज के टुकड़े करेंगे। भिंडी को संवारते वक्त वो अंदर से बिल्कुल भी काली या सड़न वाली ना हो, उस बात का खास ध्यान रखें। अगर आपको भिंडी की कड़ी और मसालेदार सब्जी बनाना सीखना हो तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिया है। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई रखें और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल लेकर उसे लो फ्लेम पर गर्म करें। ये सब्जी बनाते वक्त हम उसमें पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा ले। तेल हल्का सा गर्म हो जाए फिर उसमें आधा चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग ऐड करें। जीरा तेल में चिटकने लगे फिर उसमें भिंडी के टुकड़े ऐड करेंगे और उसे तेल के साथ स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्जी बनाते वक्त हमें कढ़ाई के ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है, वरना सब्जी चिपचिपी बन जाएगी। लो फ्लेम पर 10 मिनट तक हमें उसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। मसाले भी हम भिंडी क्रिस्पी होगी उसके बाद ही ऐड करेंगे। अगर आप पहले से मसाले ऐड करोगे तो भी आपकी भिंडी की सब्जी अच्छी सी क्रिस्पी नहीं बनेगी। 7 से 8 मिनट के लिए भिंडी को पकाने के बाद वो 80% जितनी क्रिस्पी हो गई है। अगर आपको कम क्रिस्पी सब्जी पसंद हो तो इस स्टेज पर मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सबको ज़्यादा क्रिस्पी सब्जी पसंद है, इसलिए मैं उसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने दूंगा ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। टोटल 10 मिनट के लिए भिंडी को पकाने के बाद वो अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। उसे इस तरह से बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, वरना नीचे की भिंडी जल जाएगी और ऊपर की कच्ची रहेगी। अब हम उसमें सब मसाला ऐड करेंगे, जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच या स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार हम नमक ऐड करेंगे। भिंडी की सब्जी बनाते वक्त नमक डालने में खास सावधानी रखें कि वो ज़्यादा ना पड़ जाए। अब मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स करके उसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम बंद करें और गर्मा गर्म सब्जी को हम फुलका रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आप भी ये भिंडी की सब्जी घर पर ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।